पर आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आज बहुत ही विशेष कार्यक्रम, जहां कि अब से कुछ ही क्षणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और ये उस मसाल को स्क्रीन पे अब से कुछ ही लम्हों के बाद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही 16 दिसंबर को इसी जगह से, इसी युद्ध स्मारक से 4 मशालों को प्रज्वलित किया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 1971 में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक विजय हासिल करने की 50वीं वर्षगांठ इस वर्ष हम मना रहे हैं। भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी मना रहा है। और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अब से चंद लम्हों के बाद शुरू होने वाला है। और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन्स के जरिए, आप अपने टीवी सेट्स के जरिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचेंगे और स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। सीधी तस्वीरें राष्ट्रीय समर स्मारक दिल्ली से, ये आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। और अब से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक इन मशालों को घुमाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन मशालों को, प्रज्वलित मशालों को युद्ध वाले स्थलों के साथ, जी हां, युद्ध वाले स्थलों के साथ 1971 में जो युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, उस युद्ध के लिए वीरता पुरस्कार पाने वालों और इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले पूर्व सैनिकों के घर भी ले जाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, इन चारों मशालों को उन 1971 के युद्ध में जो वीरता पुरस्कार जिन्हें मिला है, उनके और उन पूर्व सैनिकों के घर ले जाया गया। और ये फिर चारों मशालें सियाचिन से शुरू होकर कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रण के कच्छ, अगरतला तक देश के सभी हिस्सों में इन्हें घुमाया गया। और ये मशाल अब यहाँ पहुँच चुका है। चारों मशालें अब से कुछ ही देर के बाद युद्ध स्मारक पहुँचने वाली हैं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी इन मशालों को, यहाँ जो अखंड ज्योति जल रही है, उसके साथ प्रधानमंत्री मिला देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में तमाम हमारे रक्षा से जुड़े लोग राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर मौजूद। और आज ही के दिन साल 1971 में, आज से ठीक 50 साल पहले, और आप देख सकते हैं हमारे जो शहीद सैनिक थे उनके नाम उकेरे गए हैं इस युद्ध स्मारक पर। और इस सोच के पीछे भी, ये जो विजन है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ, कि एक युद्ध स्मारक हो और उस युद्ध स्मारक के चारों तरफ हमारे वीर शहीद सैनिकों के नाम उकेरे जाएं। आज बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, स्वर्णिम 50 वर्ष। और इसी कड़ी में
हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में। ये आपको मैं बताऊं, ये एक पोस्टल स्टाम्प देश के रक्षा मंत्री की तरफ से कोमेमोरेटिव स्टाम्प जारी किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने इसे जारी किया उन वीर शहीद सैनिकों के सम्मान में। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि आज ये जश्न एक साथ दो देशों में मनाया जा रहा है। जी हां, ये स्वर्णिम विजय पर्व आज एक साथ दो देशों में मनाया जा रहा है, एक तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान और दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। और बांग्लादेश में स्वर्णिम विजय पर्व में शामिल होने के लिए वहां के राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद हैं। वहां भी अब से कुछ ही लम्हों के बाद बहुत ही खास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और यहां आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक से ये सीधी तस्वीरें, जहां देश के रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक कोमेमोरेटिव स्टाम्प भी जारी किया। और ये चारों मशालें जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, ये चारों मशालें देश के अलग अलग हिस्सों से, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, देश के तमाम हिस्सों से गुजरता हुआ उन पूर्व सैनिकों के घर से होता हुआ अब ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं डीडी न्यूज़ के जरिए राष्ट्रीय समर स्मारक दिल्ली से, जहां अब हर किसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतज़ार है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज ये स्वर्णिम विजय दिवस भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों में एक साथ मनाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आज ही का वो दिन 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, आज उसको ख़त्म हुए 50 साल पूरे हो गए। 16 दिसंबर आज का दिन और 1971 की शाम 4:35 पर पाकिस्तानी सेना की पूर्वी कमान ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस शाम ढाका में आत्मसमर्पण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी और उन्हें निहारते हुए तब के पूर्वी कमान के कमांडर रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की तस्वीरें, आज भी वो तस्वीरें हर कोई याद करता है और उस विजय दिवस को याद करता है। और ये 1971 का युद्ध महज 13 दिन चला था और इन 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए। पाकिस्तान को कई मोर्चों पर, जी हां, एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। न सिर्फ पूर्वी सेक्टर में बल्कि पश्चिमी सेक्टर में भी
पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि 1971 के युद्ध में वो जो महज 5 लड़ाइयां लड़ी गईं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें से जो एक लड़ाई थी वो थी बसंत सर की लड़ाई। जी हाँ, बसंत सर की लड़ाई। एक नदी है पंजाब में, रावी की एक सहायक नदी है ये बसंत सर। 12 दिनों की लड़ाई उस इलाके पर कब्जे की पाकिस्तान की कोशिशों के कारण हुई थी, जिसमें जम्मू को पंजाब से जोड़ने वाली जो सड़कें थी वो वहाँ पे मौजूद थीं, और रणनीतिक लिहाज से स्ट्रैटेजिकली ये इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर, जी हाँ, अगर पाकिस्तान इस इलाके में हावी हो जाता तो वो पूरे जम्मू से बाकी भारत का संपर्क काट सकता था। दरअसल पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारत का मुकाबला करने में काफी परेशानी हो रही थी, और चालबाजी पाकिस्तान की वो ऐसी कि उसने ध्यान भटकाने के लिए पश्चिमी सेक्टर में मोर्चा खोला, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि इस पूरे युद्ध को लंबा खींचना। लेकिन पाकिस्तान के इस चालबाजी को भारतीय सेना समय रहते समझ गई, और भारतीय सेना ने चौंकाने की नीयत से जरपाल इलाके में पाकिस्तानी चौकियों पर हमला बोल दिया। 4 दिसंबर 1971 को बसंत सर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि उन दिनों परिस्थितियां भारत के खिलाफ थीं, मगर सैनिकों ने बाद के दिनों में गजब का जज्बा दिखाया। पाकिस्तान को खदेड़ कर पीछे कर दिया, और भारत की सेना पाकिस्तान में इतना भीतर तक घुस चुकी थी कि सियालकोट में मौजूद पाकिस्तानी सेना का बेस अब बस कुछ ही दूर रह गया था। और इस सब के बाद पाकिस्तान के पास जवाबी हमला करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे लग रहा था कि भारत अब बड़ा हमला करने वाला है। डर का नतीजा यह हुआ कि बिना शर्त आत्मसमर्पण का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया, और संघर्ष विराम डिक्लेयर कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि उस बसंतसर की लड़ाई में भारत 1000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके पर कब्जा किए बैठा था। बाद में पाकिस्तान के 350 वर्ग मील इलाके को भारत में शामिल किया गया। इसके बाद जो दूसरी सबसे अहम लड़ाई लड़ी गई वो थी लोंगेवाला की लड़ाई। आप सभी ने इतिहास के पुस्तकों में इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, और आज उन लड़ाइयों के बारे में एक बार फिर से आपको जानने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज उसी युद्ध पर विजय के स्वर्णिम विजय दिवस के तौर पर भारत में ये जश्न मनाया जा रहा है, ये उत्सव मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ भारत के साथ बांग्लादेश में भी ये जश्न मनाया जा रहा है, जहां हमारे राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पे इस स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल इस वक्त हो रहे हैं। लोंगेवाला की लड़ाई पर अगर नज़र डालें, निगाह डालें, तो ये 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात थी जब टैंकों से लैस 4000 पाकिस्तानी सैनिकों ने लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया था। लोंगेवाला पश्चिमी सीमा पर मौजूद बहुत ही महत्वपूर्ण, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण, रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण अहम पोस्ट थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने 5 दिसंबर की सुबह करीब 1 बजे बॉर्डर पार कर आगे बढ़े। सुबह के उस वक्त लगभग करीब 4:30 बज रहे होंगे जब उनके टैंकों पर भारतीय पोस्ट की नज़र पड़ी, और सुबह के 7 बजते भारतीय वायुसेना के विमानों ने उन टैंकों पर हमला किया और पाकिस्तानी टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। पूरे दिन
रुक रुक कर हमले होते रहे और हर बार पाकिस्तानी सैनिकों के हर एक दुस्साहस का भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसके बाद एक बार फिर दोपहर के 3:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत के साथ हमला किया, मगर भारतीय जवान एक बार फिर से अपने जोश और उत्साह के साथ वहां डटे रहे और एक बार फिर हमारे वायुसेना के जांबाज जवानों ने, विमानों ने उस इलाके को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बना दिया। जी हाँ, कई बार ये सवाल आपके सामने आता होगा कि ऐसी वो कौन सी जगह है जिसे पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह कहा जाता है, तो आप आंख मूंद कर आप ये जवाब दे सकते हैं कि वो लोंगेवाला का वो इलाका जहां भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तानी टैंकों पर इतने बम बरसाए कि उसे कब्रगाह में बदल दिया, कब्रगाह बना दिया। दुश्मन के 37 टैंक बर्बाद हो गए, 250 गाड़ियां छोड़कर वो भाग खड़े हुए। और इसके बाद 5 से 6 दिसंबर की रात को भारतीय सैनिकों ने दबाव भी बढ़ाया और इसके बाद पाकिस्तान संघर्ष विराम की घोषणा की और अपने आप को और भी नुकसान होने से बचाने का काम किया। तो ये लोंगेवाला की लड़ाई। तीसरी लड़ाई, आपको इसकी जानकारी हम दे दें, ऑपरेशन ट्राइडेंट, आपने इसका भी नाम सुना होगा। ये भी 1971 की बात है जब भारतीय नौसेना से कहा गया कि वो ईस्ट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन तक किसी भी तरह की मदद जो है वो न पहुंचने दी जाए, वो इस तरह की कार्रवाई करे कि ईस्ट पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना के जो लोग मौजूद हैं उन तक कोई भी मदद ना पहुंचने पाए। और इसके लिए कराची बंदरगाह पर मौजूद पाकिस्तानी नौसेना के मुख्यालय का रास्ता रोकना था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। 3 दिसंबर को क्या हुआ? 3 दिसंबर को ये हुआ कि भारतीय नौसेना ने बॉम्बे से दीव तक का, दीव आप समझ सकते हैं हमारे पश्चिमी छोर पर है, बॉम्बे से दीव तक का सफ़र तय किया। 4 दिसंबर की शाम 5 बजे जब नौसेना कराची से करीब 150 मील दूर थी तब इस ऑपरेशन को शुरू करने का आदेश दिया गया, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये आदेश दिया गया शाम के 5 बजे और धीरे धीरे जब रात गहरी होने लगी, रात का अंधेरा, भारत की मिसाइल उन नावों के जरिए, उन बोट्स के जरिए तेजी से कराची, पाकिस्तान के कराची की ओर बढ़ने लगी और वहां से मिसाइलें छोड़ दी। पाकिस्तानी कुछ समझ पाते उससे पहले ही मिसाइलें दागी जा चुकी थी। और ये काफिला आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी करने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद। आज पूरा देश उन शहीद अमर जवानों को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और देश के रक्षा मंत्री ने उनकी अगवानी की है, साथ साथ तमाम सेना के वरिष्ठ लोग वहां मौजूद। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले साल 16 दिसंबर को ठीक इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मशालों को प्रज्वलित किया था। ये 4 मशाल देश भर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक की यात्रा कर इन्हें घुमाया गया और ये मशाल 1971 के युद्ध के लिए वीरता पुरस्कार पाने वालों और साथ ही साथ इसमें हिस्सा लेने वाले
पूर्व सैनिकों के घर भी ले जाया गया। ये चारों मशालें यहां पहुंच चुकी हैं और अब आप कुछ ही लम्हों के बाद देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चारों मशालों को अखंड ज्योति जो वहां जल रही है उसके साथ उन्हें वो मिला देंगे। और इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या कुछ हो रहा है उसके लिए आप डीडी इंडिया वो देख सकते हैं और डीडी न्यूज के जरिए हिंदुस्तान में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर इसको आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए 1971 की युद्ध में शहीद हमारे वीर सपूतों को। आज पूरा देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है और इसी की याद में हमारे शहीद वीर सैनिकों को प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि।
तो आप ये सीधी तस्वीरें आपने देखा जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही खास कार्यक्रम में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक नई दिल्ली, जहां आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चारों मशालों को, जो कि देश के चारों दिशाओं से होते हुए, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, तमाम दिशाओं से होते हुए राष्ट्र समर स्मारक पर पहुंची ये मशालें, और प्रधानमंत्री ने उन चारों मशालों को वहां पहले से प्रज्वलित हो रहे उस ज्वाला के साथ उन्हें मिलाने का काम किया। आज पूरा देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत हासिल करने की 50वीं वर्षगांठ पर ये बहुत ही खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपने जिन चारों मशालों को देखा, वो चार मशालें देशभर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक इन्हें घुमाया गया। और जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चारों मशालों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित मशाल के साथ मिलाने का काम किया। और अब आगंतुक पुस्तिका में प्रधानमंत्री अपने उद्गार व्यक्त करते हुए, और वो कहते हैं ना कि लेकर सांस मुट्ठी में झुका गए हिमालय को, हाथ में थाम तिरंगा अमर कर गए जो खुद को, लहू सींच कर करके फिर बना गए समृद्ध भारत, उन वीर देश के जवानों को याद करो युगो युगो। आज भारत और बांग्लादेश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का कार्यक्रम, जब पूरा देश उन वीर शहीद सेनानियों को आज याद कर रहा है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्योछावर कर दिए थे। राष्ट्रीय समर स्मारक से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आज ही के दिन, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म हुए